हमारे साथ है मुकुल कानितकर जी, शिक्षाविद हैं और इसके साथ साथ भारतीय शिक्षा मंडल के मंत्री भी हैं, जिन्होंने एक लंबी अवधि अपने जीवन की शिक्षा के क्षेत्र में दी है, भारतीय मूल्यों को शिक्षा में बढ़ाने में, भारत भारत के विचार को शिक्षा में बढ़ाने में। और आपका स्वागत है मुकुल जी। धन्यवाद मुकुल जी। मैं चाहूँगा कि सबसे पहले हमारे विद्यार्थियों को और जो भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उन्हें इस बात से अवगत कराएं कि भारत बोध का विचार ये आया कैसे कि इस समय भारत बोध के ऊपर एक इतनी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी आयोजित कराई गई है यहाँ पे। सारे विश्व में यदि आज हम देखेंगे तो पहचान का एक संकट चल रहा है। वैश्वीकरण के नाम पर जो बाजारवाद फैला, उस बाजारवाद का जो एक साइकोलॉजिकल पक्ष है, मनोवैज्ञानिक पक्ष है, वो मनोवैज्ञानिक पक्ष ऐसा हो गया कि सबको एक सा बनाने की बात हो गई, चाहे वेशभूषा हो, चाहे केशभूषा हो, चाहे खान पान हो, सारी दुनिया को एक रूपता में लाने का प्रयत्न किया गया। और पहचान होती है विशिष्टता से, और जैसे व्यक्ति की विशिष्टता होती है, अद्वितीयता, यूनिकनेस होता है, वो अद्वितीयता व्यक्ति को पहचान देती है, वैसे ही समाज की भी अद्वितीयता होती है। देयर इज अ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस विच इज वर्किंग, और वो जो सामूहिक एक अपना पहचान का बोध होता है वो मनुष्य को प्रेरित करता है काम करने के लिए। और भारत में ये संकट लगभग 2 शताब्दियों से हम देखते हैं, लगभग 150-200 वर्षों से हम भारत के अर्थ को, भारत की पहचान को ही एक तरह से मिटाने में लगे हुए। तो इसलिए हमने ये सोचा कि इस विषय पर केवल भावनात्मक नारेबाजी या बात करके काम नहीं चलेगा, इसके ऊपर एक रिसर्च ओरिएंटेड, एक बहुत अच्छे अनुसंधान के साथ शैक्षिक गोष्ठी होना आवश्यक है कि हम भारत से क्या समझते हैं, हमारा भारत का बोध क्या है, भारत की जनता, भारत का जन, भारत के लोग भारत को जिस तरह से समझते हैं, भारत कहने से उनके मन में जो चित्र आता है वो, और व्यवस्था में जो लोग लगे हुए या अपने आप को बुद्धिजीवी कहलाने वाले लोग हैं उनका भारत का बोध, इसमें जो भेद है उसको मिटाने की आवश्यकता है। और इसलिए हमने ये शैक्षिक गोष्ठी यहाँ पर रखी कि जिसमें विश्वविद्यालयों के विद्वान आए, अपना शोध पत्र लिखे, शोध करें, और भारत की कला दृष्टि, भारत की धर्म दृष्टि, भारत की विज्ञान दृष्टि, भारत की विश्व दृष्टि, भारत की इतिहास दृष्टि, भारत की शिक्षा दृष्टि, इस सबको लेकर के मंथन करें। ये विषय है, आज सारी दुनिया में चल रहा है। आप यदि ब्रिटेन के ब्रेग्जिट का एनालिसिस करेंगे और साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक एनालिसिस करेंगे, आर्थिक रूप से तो नुकसान है, यूरोपियन यूनियन में रहने से बाजार का तो लाभ है, और फिर भी 62% लोग रह रहे कि हमको यूनियन में नहीं रहना, यूरोपियन यूनियन में नहीं। उसके अलावा उन्होंने यूरो की करेंसी भी नहीं अपनाई, अपने पाउंड को किस लिए रखा कि हमारा पाउंड है। स्वाभिमान की बात, स्वाभिमान की बात, ये राष्ट्रीय अस्मिता जो है ये बोध है। और उसके इस समय कई उदाहरण हमारे सामने आ रहे हैं कि अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप का विषय हमला होता है, कुछ जी, होता है जी, या सरकार की नीति से भी लोग सहमत नहीं हैं, लेकिन अमेरिका के खिलाफ कोई नहीं बोलता, देश के खिलाफ कोई नहीं बोलता। तो और एक यहाँ पे मैं और चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा कि एक तो ये हुआ कि जो हमारा भारतीय दर्शन या जितने और भारतीय विषय हैं इनको हटा करके, भूल करके इनको लोगों ने किया। दूसरा, एक कुछ हमारे यहाँ एक फैशनेबल परंपरा ये बन गई पिछले कई सालों से कि आप भारत का अध्ययन भी जो है वो जो विदेश के मॉडल हैं या जो विदेश की धरती पे चीज़ें जन्मी हैं उनको लगा करके, ये सेकुलर शब्द है, बिल्कुल ठीक है, कि सर्वधर्म संभव जब पैदा हुआ था अंग्रेजी भाषा भी पैदा नहीं हुई थी, और उस शब्द का अर्थ यूरोप के कॉन्टेक्स्ट में कुछ और होगा और हिंदुस्तान, भारत के हिंदुस्तान के कॉन्टेक्स्ट में उसका शब्द कुछ और होगा, और हमारे बड़े बड़े जो अपने आप को इंटेलेक्चुअल बताने वाले लोग हैं वो इस ट्रैप से बाहर निकलने की कोशिश ही नहीं करते, और नतीजा ये होता है कि जो ऐसे कई विदेशी मॉडल लाए जाते हैं वो धरती पे आते ही नीचे गिर जाते हैं, बिल्कुल हमारे उसके ऊपर, और उसकी जो आधुनिक हमारी प्रासंगिकता है उसमें भी हम आगे नहीं पढ़ पाते उसके हिसाब से। क्या पुस्तकी शिक्षा, पुस्तकी ज्ञान जो ग्रंथों में छिपा हुआ है, भारत में ग्रंथ साहित्य का ज्ञान जो है वो केवल पुस्तकी नहीं है, वो व्यावहारिक ज्ञान है। बिना अनुभूति में आए, बिना व्यवहार में उतारे हम किसी बात को ज्ञान कहते ही नहीं। तो आप जिसको मॉडल कह रहे हैं, चाहे वो मैनेजमेंट में हो, चाहे वो समाज को लेकर के हो,
हम समाजशास्त्र में आज भी विवाह को लेकर के या परिवार को लेकर के संस्थाओं का परिचय देने के लिए विदेशी संकल्पनाओं का उपयोग करते हैं। जॉन मिलर की बताएंगे, मैक्स मुलर की बताएंगे, मैक्स वेबर की बताएंगे। मज़ेदार बात है कि उनकी वो परिभाषा उनके देश में भी अब प्रासंगिक हो गई है, भारत में तो छोड़ दीजिए, पर भारत में कभी प्रासंगिक थी नहीं। हमारा बोध ही अलग है। आज हमारा वनवासी जिसको हम आदिवासी कह करके पिछड़ा मानते हैं, जबकि वो हमसे प्रगत है, वो पेड़ को तोड़ता नहीं क्योंकि वो प्रकृति से प्रेम करता है, वो उसकी पूजा करता है, वो प्रार्थना करके पेड़ की टहनी लेता है अपने भोग के लिए, अपने ईंधन के लिए चाहिए तो, उसको औषधि चाहिए तो पहले प्रार्थना करता है। हम उनको तो पिछड़ा कह रहे हैं, और हम लोग जो गाय को इंजेक्शन लगा करके दूध बढ़ा रहे, उसको पीड़ा दे करके हम प्रगत हो गए। प्रगत, मैं एक उदाहरण यहाँ पे और देना चाहूँगा, जो आपने आदिवासी की बात की कि इतनी हैरानी होती है कि 1957 के बाद में जब अंग्रेजों ने सेंसस की तो कई हमारे जो पेशे थे, तेली है मान लीजिए, जुला है, जो कि जातियां नहीं थी, जो कि पेशेगत वर्ण व्यवस्था पर आधारित थे, जातिगत नहीं थे, उनको जातियों में बदल दिया गया देश को बांटने के लिए। और इसके ऊपर भी हमारे बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल इस चीज़ को मार्शल रेस का कॉन्सेप्ट दे दिया और बांटने के लिए इस तरीके से जितनी विधियां उन्होंने अपनाई तो उन विधियों को ही आगे। इसमें दो बातें मुझे लगती है कपिल कुमार जी, एक तो षड्यंत्र पूर्वक किया गया विभाजन है देश को तोड़ने के लिए, उत्तर दक्षिण का भेद, द्रविड़ आर्य का भेद, फिर जनजाति गिरिजाति लोग और नागरी लोग, ये भेद अभी तो अर्बन रूलर में भी हम ले गए। कुछ तो षड्यंत्र पूर्वक विभाजन करने के लिए किया गया, कुछ बुद्धि भेद से और भ्रम से हुआ है। जैसा आपने कहा, जो विदेशी मॉडल जब भारत में आप लागू करने गए तो आपको वो बात लागू होती नहीं थी, ये बात समझ में नहीं आई तो आपने ज़बरदस्ती लागू की। अनुवाद की बहुत बड़ी समस्या है, भाषा की बहुत बड़ी समस्या, कास्ट का अनुवाद जाति कर दिया गया, जबकि आज भी आप असमिया में जाति शब्द को प्रयोग करेंगे तो वो राष्ट्र के लिए प्रयोग होता है। मैं वहाँ जाता हूँ तो मैं नेशनल ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हूँ तो मेरा परिचय देते हैं वो जातीय संगठन संपादक असमिया में, तो वो जातीय जब कहते तो वो राष्ट्रीय कह रहे। देखिए, देश शब्द का इस्तेमाल हमारे यहाँ इतना बड़ा है कि हम देखते हैं कि आज भी बिहार में व्यक्ति जब वापस जाता है, कहाँ जा रहे हो, मैं अपने देश जा रहा हूँ, तो देश का अर्थ गांव भी है, क्षेत्र भी है, भूमि के साथ जुड़ा हुआ प्रांत भी है, बिल्कुल देश पूरा। और आपका फिजिक्स का जो स्पेस का कंसेप्ट है, टाइम एंड स्पेस का कंसेप्ट है, वो देश और काल की हमारी संकल्पना है बेसिक, टाइम एंड स्पेस, देश और काल। इसलिए देश उस सारी परिधि में एक अलग ही रूप लेता है। और जाति का अर्थ, जाति शब्द का अनुवाद नहीं हो सकता, जैसे धर्म शब्द का अंग्रेजी में अनुवाद नहीं हो सकता, तो उन्होंने करीब का शब्द कास्ट ले लिया। कास्ट इज ए टोटली डिफरेंट कंसेप्ट। यदि भारत में कुछ उसको जोड़ना ही है तो वर्ण उससे थोड़ा बहुत, वर्ण और उपवर्ण जुड़ता है उससे। तो कुछ तो भ्रम के कारण हुआ, अनुवाद के भ्रम के कारण हुआ। लेकिन विचित्रता यह है कि हमने ऐसे भ्रमित विद्वत्ता को मुख्य धारा मान लिया। मुख्य धारा मान ही नहीं लिया, बल्कि उसको स्थापित कर दिया विद्यालयों में और आगे बढ़ाना शुरू, स्थापित कर दिया, प्रतिष्ठित कर दिया, प्रतिष्ठित कर दिया। इसलिए इस देश का थोड़ा सा भी पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा तो वो जब प्रतिष्ठित होना चाहता है तब वो जबरदस्ती अपने मन के विरुद्ध, अपनी चेतना और अपनी अनुभूति के विरुद्ध उस मुख्य धारा में जाने का प्रयास करता है। इसलिए ये दोनों भेद करना, मैं इसलिए ये भेद कह रहा हूँ क्योंकि जब भारत बोध की हम बात करेंगे तो षड्यंत्रकारी वो है जो जानते हुए गलत बोल रहे, वो सो नहीं रहे, वो सोने का नाटक कर रहे। लेकिन एक बहुत बड़ा बुद्धिजीवी वर्ग है, मुझे लगता है 80% ऐसा है, जो गलती से अपने अंदर से उसकी अनुभूति अलग है भारत बोध की, और केवल प्रतिष्ठित होने के लिए वो चिपक रहा है जिसको मुख्य धारा माना जाता है। और मुझे लगता है वो दूसरा वर्ग भारतीय शिक्षण मंडल में हम सोचते हैं कि उसके साथ काम करना ज़्यादा आवश्यक है क्योंकि वो तैयार है, समझने को तैयार है। हाँ, अगर जो शास्त्रार्थ की या संवाद की परंपरा है, बजाय इसके कि घेटोज बन जाए हाँ। और डायलॉग ही ना हो, तो जब तक वो ये उसी दृष्टि से मेरे ख्याल से भारत बोध का एक बहुत बड़ा विचार जो है। इसलिए जब कभी कभी ये विषय सामने आता है कि विरोधी विचार, वो लोग ऐसा कर रहे हैं, आपको आरोप लगा रहे हैं, तो मैं बार बार शब्द प्रयोग करता हूँ कि ये इंटेलेक्चुअल एरोगेंस है, ये कि मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है, उसके विपरीत विचार हो ही नहीं सकता। उसमें मैं एक चीज़ और जोड़ूंगा, इंटेलेक्चुअल कन्वीनियंस भी है। हाँ,
कुछ लोगों को ये है कि अगर मैं इस मुद्दे को नहीं उठाऊंगा तो मुझे प्रोग्रेसिव नहीं माना जाएगा, मुझको जो है फेलोशिप नहीं मिलेगा, मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा, तो इसलिए मुझे ये फॉलो करना ज़रूरी है। एक ये भी बहुत बड़ा एक चीज़ आई है। एक प्रासंगिकता मैं और समझ रहा हूँ कि देखिए, मेरा अपना ये मानना है कि आतंकवाद के कई रूप हैं। आतंकवाद अब केवल बंदूक तक सीमित नहीं है, और जो वैचारिक आतंकवाद है जिसको के लाने की एक बहुत बड़े तरीके से कोशिश की जा रही है हमारे देश के विश्वविद्यालयों के अंदर, उसको लेकर के भारत बोध का जो ये मंथन है उसके संदर्भ में आपका ये बहुत प्रासंगिक इसलिए हो जाता है, जैसे आपने आतंकवाद शब्द का प्रयोग किया। आतंकवाद को सामान्यतः हिंसा से जोड़ा जाता है, लेकिन आतंकवाद ये मनोभूमि का ज्यादा है। मैं गांधी जी की हिंसा की भी बात कर रहा था कि अगर विचारों से भी किसी को हर्ट करते हो तो हिंसा। इवन जिनको जिहादी या आतंकवादी हम कहते हैं, वो भी आतंक का ऐसे प्रयोग, हिंसा का ऐसे प्रयोग करते हैं जिससे आतंक उत्पन्न हो। जब उसका उपयोग आप फिजिकल हिंसा की जगह पे वैचारिक हिंसा से करोगे, ताकि आतंकित होकर के आदमी अपनी अभिव्यक्ति करे ही ना, क्योंकि उसको लगता है कि मैं अपनी बात रखूंगा तो मुझे आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा, मेरा प्रमोशन नहीं होगा, मुझे लोग बुलाएंगे नहीं। ये भी तो एक बहुत बड़ा आतंकवाद है, बहुत बड़ा आतंकवाद है। जगह इस प्रकार की चीजें सामने देखने में आई हैं, प्रताड़ित किया जाता है। उस विचारधारा के नहीं है तो आपको नौकरी प्रताड़ित किया जाता है, आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, आपका इवन जो शोध का विषय है। देखिए मैं एक उदाहरण देता हूँ कि अंग्रेजों की सारी नीति जो भारत के ऊपर थी 1857 के बाद, वो जो उनका एक्सपीरियंस 1857 में उनको मिला उससे बनी। बिल्कुल ठीक। तोड़ो, विभाजित करो, चाहे वो सोसाइटी हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे सब कुछ हो। और हमारे बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स ने 1857 को स्टडी करना छोड़ दिया। बिल्कुल ठीक है। तो उसको स्टडी नहीं करो और दूसरी दिशा में बह जाओ पूरा जा करके। और एक और बड़ी चीज सामने अब आ रही है, जो कि कुछ जो सेमिनार में प्रेजेंटेशंस हुए हैं निकल करके सन 45-47 के समय को लेकर के, कि जहाँ एक तरफ वार्ता चल रही है कि ट्रांसफर ऑफ पावर किया जाए, वहाँ दूसरी तरफ जो देश के अखबार कह रहे हैं उर्दू के, हिंदी के, कि इसके लिए तो नेताजी नहीं लड़े थे, इसके लिए क्रांतिकारी नहीं लड़े थे, सन 42 का आंदोलन इसके लिए नहीं हुआ था, बिल्कुल ठीक, ये क्यों इस तरीके से डाला जा रहा है। मैं समझता हूँ इस तरीके का इतिहास जो अब सामने निकल के आ रहा है वो भारत के इस मंथन को लेकर के आगे लाने के लिए काफी बहुत महत्वपूर्ण है। प्रासंगिक ही नहीं है, जो तथ्य नए निकल करके सामने बहुत आ रहे हैं। एक और बात बहुत महत्वपूर्ण है इतिहास की तरफ देखने की, जो हमारी दृष्टि है वो हम लोग भारतीय शिक्षण मंडल में कहते हैं कि हम इतिहास को भविष्योन्मुखी दृष्टि से देखते हैं। अब ये अपने आप में कॉन्ट्रडिक्टरी लगता है, विरोधाभास लगता है, लेकिन ये मूल उद्देश्य होना चाहिए इतिहास को देखने। देखिए मेरा तो एक इतिहासकार होने के नाते जी, मैंने हमेशा ये कहा है कि हिस्ट्री इज नॉट जस्ट अ स्टडी ऑफ द पास्ट, एक्जेक्टली, बिकॉज इट टेल्स यू हाउ योर प्रेजेंट हैज इवॉल्वड, सो दैट बाय कंपैरिजिंग एंड एनालाइजिंग द टू यू कैन प्लान फॉर अ बेटर फ्यूचर। एक्जेक्टली। और अभी भारत एक राष्ट्र के रूप में, एक लोक के रूप में एक टर्निंग पॉइंट पे है। जनमानस के अंदर से पराजय का भाव चला गया। मैं 26 वर्षों से युवाओं के साथ काम करता हूँ। आज से 10-15 साल पहले इस देश का कॉलेज का युवा सोचता था जो कुछ भी अच्छा होगा वो पश्चिम में होगा। आज इस देश के सामान्य इंजीनियरिंग कॉलेज का छात्र भी, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज जिसमें बहुत ज़्यादा सुविधा भी नहीं है, माता पिता के पैसे से व्यावसायिकता से वो पढ़ रहा है, कमर्शियलाइजेशन हो चुका है, उसके बावजूद ऐसा छोटे से कस्बे में पढ़ने वाला छात्र भी ये सोचता है, जो दुनिया में कहीं भी हो सकता है वो भारत में हो सकता है। मंगलयान ने, PSLV ने, पोखरण ने उसको वो दृढ़ आत्मविश्वास दिया है। ऐसे समय इतिहास को विजयशाली दृष्टि से देखना बहुत आवश्यक है। एक इसमें और चीज़ जुड़ रही है मुकुल जी, कि जिन हमारी विज्ञान की परंपराओं को या पर्यावरण की परंपराओं को या जो इसे आज वेलनेस कह रहे हैं जी, जिन परंपराओं को तोड़ के फेंक दिया गया था, आज अगर पर्यावरण को बचाना है, जो ये रिसाइकलिंग की बात करते हैं सबसे ज्यादा भारत, बिल्कुल ठीक, पर्यावरण के अंदर हमारा जो मूल सिद्धांत था कि हम प्रकृति के साथ मिलकर चलेंगे, उसका शोषण नहीं करेंगे, जो वेस्ट ने शोषण किया और अब भुगत करके अब पर्यावरण पे आ रहा है,
योगा इस क्षेत्र में आया, आयुर्वेदा इस क्षेत्र में आगे आया, इनके साथ साथ जो हमारी नक्षत्र की कन्याएं थी, जीरो डेसिमल आर्किटेक्चर तक ये जो आया सामने, दोबारा उभर के जो सामने आया है, तो युवा पीढ़ी में इसकी भी एक बड़ी जिज्ञासा है बिल्कुल कि हमको ये चीज मिले। और इसलिए मैं ये मान रहा हूं कि ये इतिहास राजेंद्र सिंह ने जो पानी के तालाब बनाए राजस्थान के अंदर, उस सारी पुरानी विधियों से बनाए पूरे के पूरे। और सबसे बड़ी चीज जो कि पाश्चात्य सभ्यता कभी नहीं समझ सकती कि हमारे यहां विज्ञान को धर्म के साथ मिलाया गया। मैं रिलीजन की बात नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल ठीक, धर्म के साथ मिलाया गया कि अगर तुलसी की पूजा होती है, पीपल की पूजा होती है, बड़ की पूजा होती है, तो किस लिए होती है? आप तो इतिहास, हर घर में हमारे तो विज्ञान पहुंचाया गया, घर घर में विज्ञान पहुंचाया गया कि इसका क्यों के विज्ञान का पालन करें लोग। आप तो इतिहासकार है, मैं इस बात को इस दृष्टि से देखता हूं कि आधुनिक भारत का जब इतिहास लिखा जाएगा, खास करके स्वतंत्र भारत का और वैसे तो विश्व का ही, तो उसमें 21 जून 2015 का विशेष महत्व होगा, 15 अगस्त जितना ही महत्व होगा। क्योंकि जो आपने अभी बात की, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जब 193 देशों में लोग, और इस देश में चाहे जितने विवाद कर लिए हो लोगों ने राजनीति के अंतर्गत, लेकिन हमने टीवी पर दृश्य देखे कि सऊदी अरेबिया में बुरखा पहने हुई माताएं ओंकार का उच्चारण करते हुए सूर्य नमस्कार कर रही है, क्योंकि विश्व ने माना कि ये हमारे लिए आवश्यक है। तो भारत की पुरातन वैज्ञानिक परंपरा का पुनर्जागरण शुरू हो गया विश्व में, और इसको जब भारत बोध ये जागृत हो जाएगा तो हमारे युवाओं के अंदर एक ऐसा आत्मविश्वास जगेगा कि हम कुछ भी कर सकते। देखिए, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये पुरातन परंपराओं का जो पुनर्जागरण हुआ है ये वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में हुआ है, यही ये नहीं हुआ है कि खाली हम पुरातन को दिखा रहे हैं, लेकिन उनकी वर्तमान में क्या महत्ता है, उनकी वर्तमान में क्या प्रासंगिकता है, उसके संदर्भ में ये जाकर के सामने आया है। आज की जो समस्या है मानव की, चाहे टेंशन हो, चाहे पर्यावरण हो, मैं तो कहता हूँ आर्थिक मंदी का भी उत्तर सर्वे भवन्तु सुखिना के तत्व पर आधारित इकोनॉमिक्स दे सकता है। देखिए, आर्थिक मंदी और ये जो दूसरा डिमोनेटाइजेशन हुआ अभी, मैंने तो डिमोनेटाइजेशन को ये माना कि इस तरीके की क्रांति दुनिया के किसी प्रजातंत्र में आज तक नहीं हुई, जहाँ ये संघर्ष बना कि जो लोग लाइन में खड़े हुए थे और कह रहे थे कि प्रधानमंत्री ने सही किया, और दूसरी तरफ लोग जो है अपना काला धन अभी भी साफ करने में लगे हुए थे, ये वो संघर्ष प्रजातंत्र के अंदर किस तरीके से लाया गया इसका, और अभी भारतीय तरीका है, मतलब ये भारत का मन है जिसको समझने में कई बार नेतृत्व समझ नहीं पाता, और खास करके वैचारिक नेतृत्व नहीं समझ पा रहा। तो भारत बोध जो हमने यहाँ पर एक मंथन किया 3 दिन से, उसका विषय ही ये है कि जो जन चेतना में जो जागरण हो रहा है भारत के बोध का, वो विश्वविद्यालयों में आए, वो बुद्धिवादी लोगों के पास आए, वो रिसर्च में आए, और इसके लिए हम काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि इसका बहुत बड़ा क्या इसका एक संदेश ये भी जाएगा कि जो आपने बात कही मेटेरियलिज्म और मल्टीनेशनल वाली, और जो एक नया युग प्रारंभ हो गया है जिसके अंदर ये हो रहा है कि मानसिक दास बना लिया जाए आदमी को, उस मानसिक दासता से निकल करके और भारत के ऊपर स्वावलंबी होकर के और अपनी पहचान करके आगे चलने के लिए, मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से ये रास्ता इस 3 दिन की संगोष्ठी में बहुत बड़ा एक, जिसको कहना चाहिए, नया मार्ग लोगों के मन में जगा है। आगे आपका क्या, इसको आगे ले जाने का क्या? मेरे पास में बहुत सारे विश्वविद्यालयों से इस प्रकार की मांग आई है कि हमारे यहाँ पर इसको लेकर के कुछ किया जाए। यहाँ पर बहुत जगह के वाइस चांसलर्स आए थे, बहुत छात्र ऐसे हैं जो इसके ऊपर सघन एक एक विषय को लेकर के बड़ा अध्ययन करना चाहते। भारतीय शिक्षण मंडल इस विषय को लेकर के गहन अध्ययन करके साहित्य सामग्री का निर्माण करना चाहता है जो आगे चल करके सिलेबस में परिवर्तित हो, पाठ्यक्रम में परिवर्तित हो, और पाठ्यक्रमों से ये स्कूल शिक्षा तक जाए, तब नई पीढ़ी का निर्माण होगा, और तब वास्तविकता में भारत बोध जो जन में है वो व्यवस्था में भी आ जाएगा। एक बहुत बढ़िया बात कही प्रोफेसर मखनलाल जी ने कि आप अपना इतिहास जानते हैं, अपने गांव का जानते हैं जी, तो अपने देश के इतिहास को भी बिल्कुल आपके देश का क्या इतिहास है आगे लाने के लिए। और
मेरा तो ये मानना है कि आप इसको शायद जो भारतीय मूल का डायस्पोरा है विदेशों के अंदर उसको भी इससे जोड़ने बिल्कुल, के बिल्कुल, लिए प्रयास करेंगे और जो उनको सहयोग चाहिए उसको लेकर के। तो बहुत बहुत बधाई आपको इस संगोष्ठी के लिए, आयोजन के लिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद है कि अगर बहुत लंबी गोष्ठियाँ नहीं लेकिन चाहे एक एक दिन के ही सेमिनार कस्बों में, गांव के कॉलेजेस में और सब में जा सकेंगे तो एक बहुत ही एक नवीन भारत का जो हम अब तक लोग समझ रहे थे सपना देखा जाएगा, मेरे ख्याल से वो सपना नहीं बल्कि एक नवीन भारत को हम यथार्थ रूप में उसी गौरव में इतिहास में लाएंगे जिस गौरव में इतिहास में किसी समय में भारत खड़ा था। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।